हेलो नमस्ते, मैं फिर उपस्थित हूँ अपने एबी एजुकेशन सेंटर चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। अभी जो कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा चल रही है गणित वाले बच्चों की, जीव विज्ञान वाले बच्चों की, उनके जीव विज्ञान का पेपर हो गया, उनका गणित का पेपर हो गया, उनका केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर हो गया, इंग्लिश का हो गया और हिंदी का हो गया। मैंने इन चारों पाँचों पेपर में ये देखा, क्वेश्चन प्रश्न पत्र जो आया था वो जो आया है प्रश्न बैंक से है, उसमें जितनी भी ओटी आपकी 30 नंबर की आ रही है वो प्रश्न बैंक से आ रही है। तो मैंने अभी आपके रसायन शास्त्र का पेपर रह गया कक्षा 11वीं का, तो उसमें जो ओटी आएगी ये प्रश्न बैंक से ही आएगी और मैंने सिर्फ ओटी ओटी का वीडियो ही बनाया है। मैं आपसे एक बात ये कहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन पूरे प्राप्त हो जाएं। तो मैंने आपको बहुत सोच समझ के ये दिया है कि प्रश्न बैंक से ही आपकी ओटी आ रही है। वार्षिक परीक्षा 2023 जो भी कक्षा 11वीं की चल रही है, उनका रसायन शास्त्र का जो पेपर है वह अभी 15 अप्रैल को है और ये ओटी आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि आपके फिजिक्स के पेपर में, गणित के पेपर में, आपके बायो के पेपर में, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में भी ओटी जो आई थी वो प्रश्न बैंक से ही आई थी। इसलिए 101% विश्वास है मुझे ये ओटी आपकी आएगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो देखें मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रश्न बैंक पहला चैप्टर ये आपके सामने ओटी है, ठीक है। आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं, इसमें आपको ऊपर दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा अध्याय, कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं और कौन से आए हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये चैप्टर पहले की ओटी है, फिर ये चैप्टर फर्स्ट की ओटी चल रही है, आप इसी में से पढ़ के जाएं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये चैप्टर ये जो पांचवा यहाँ से दिया है, आप कंफ्यूज ना हो, ये चौथा नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है उसके बाद वहाँ पर क्या दिया गया है, पांचवा नंबर का दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ, ये देखें आप। फिर उसके बाद ये चैप्टर टू आपके सामने है, परमाणु संरचना, इसकी ओटी है, एक एक शब्दों में उत्तर है, सही जोड़ियां हैं, ये ज़रूर आती हैं, आप ज़रूर पढ़ के जाएं। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं, आप पढ़ें, मेरे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद है तीसरे नंबर का चैप्टर, ये तीसरे नंबर की ओटी ही ओटी है, क्वेश्चन भी हैं तो आप पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, गैसिंग में आ ही जाते हैं, मेरी पूरी गैसिंग आपको फंसेगी, ये ओटी इसी में से ओटी आई अभी तक के पेपर में, आप ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद है ये चौथा चैप्टर, रासायनिक आवंधन एवं आणविक संरचना, इस प्रकार अभी चार चैप्टर आपके हो गए हैं, ये चौथा चैप्टर आपका चल रहा है, आप इसी में से पढ़ के जाएं, आपकी पूरी ओटी इसमें से फंसेगी। ये पाँचवें नंबर का चैप्टर है, छठवां नाम दिया है लेकिन है पाँचवा, ऊष्मा गति की। फिर उसके बाद आप देखें ये आपका क्या डर चल रहा है, छठवें नंबर का चैप्टर है, ये आपका सातवें नंबर का चैप्टर चल रहा है, साम्यवस्था। उसके बाद ये जो चल रहा है रसायन शास्त्र, साम्यवस्था ही चल रही, आठवां आपका आ गया रिडॉक्स, ये ओटी रिडॉक्स की है। उसके बाद आएगा आपका नौवां चैप्टर हाइड्रोकार्बन, ये ओटी सारी आप इसमें से पढ़ के जाएं। एक चीज़ मैं आपको फिर ये बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो पीछे के जो आपकी बुक है स्कूल की एनसीईआरटी की, उसके पीछे जो प्रश्न होते हैं वो ज़रूर आप पढ़ के जाएं, उसी में से सब आता है, पूरे क्वेश्चन जो हैं उसी में से बनाए गए हैं। ऐसी मंगल शुभकामनाएँ हम आपको देते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए। कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र की पूरी ओटी जो है प्रश्न बैंक से ही आई हैं, अभी तक जो प्रश्न पत्र हुए उनकी बता रही हूँ मैं आपको, और अभी जो आपका रसायन शास्त्र का 15 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसमें भी सारी ओटी ये ही आएंगी, आप ज़रूर पढ़ के जाएं, आपका पेपर अच्छा जाए, आपका भविष्य मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी, जब तक के लिए नमस्ते।